आप सभी को नवरात्रि के प्रथम दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का समय कीमती है, सो जो लोग भी लेट जुड़ रहे हैं या जुड़ेंगे उनको ये वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो जाएगी। सो कल जो चीज रह गई वो मैं ये बताना चाहूंगी कि आप सभी लोग अपना असेसमेंट कर लें। असेसमेंट मतलब एक पेपर पे या एक डायरी बना लें जिसमें आप पूरे दिन टाइम लिखें चीजें। उसमें क्या होगा, उससे क्या होगा कि आप उसको जज कर पाएंगे अपने आप को। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप अपने पास लिख करके रखें जिसमें क्या क्या है ये आप नोट कर सकते हैं। आपको अपना वजन लेना है, वेट लीजिए, अपना पेन स्केल लीजिए। पेन स्केल यानी मतलब एक स्केल पे आपका पेन का जो क्राइटेरिया है, गर्दन में दर्द है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, या पेट में दर्द होता है समटाइम्स, या ये जो पेन का स्केल है ये 10% है, 5% है, 8% है, 2% है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है ये आपका पेन स्केल बताता है। ठीक है, तो ये आपको करना है। इसके बाद आपको लास्ट डे फिर से असेसमेंट करना है, तो इसको संभाल के रखिएगा। आप एक पतली सी डायरी, पतली कॉपी या पेपर बना सकते हैं। सुमन जी, अभी हम सबको समय देंगे बात करने का, सबसे बात करेंगे, बट क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग करने से क्या है ना, सभी को प्रॉब्लम होती है फिर बाद में, तो उनको कंटेंट नहीं मिल पाएगा। तो शुरू में मेरे को ये बता लेने दीजिए, फिर हम आपसे बात करते हैं। देन गैस्ट्रिक इश्यूज कितने हैं, कितने परसेंट हैं, गैस फॉर्मेशन है, ब्लोटिंग है, इनडाइजेशन है, माइग्रेन है, हेडेक है, ज्वाइंट पेन किस लेवल का है, सर्वाइकल लंबर। ठीक है, ये एक बात कल ही हो गई कि कोई भी उपवास के दौरान स्टॉप मेडिकेशन स्टॉप नहीं करेगा जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए खाते हैं, डायबिटीज, बीपी, शुगर, थायराइड, ऐसा करके। पर्सनल डाइट के लिए आप अलग से मुझसे बात कर सकते हैं, इस पे थोड़ी ही बात हो सकती है, तो आप अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेंगे। ये हमारा 9th कैंप है ऑलमोस्ट, तो बहुत सारे लोग पहले के जुड़े हुए हैं जो कॉन्फिडेंट है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना हम बेसिक्स के लेकर के आपको चल सके, कि जो पहले जो फर्स्ट टाइम जुड़े हुए लोग हैं वो भी इसको प्रॉपरली कर सके और बहुत सरल तरीके से कर सके। दूसरी बात क्या है कि हमें अपनी कैलोरीज बचानी होंगी। कैसे, जैसे मैं तो वाटर फास्टिंग पे हूँ क्योंकि इससे पहले मैं 4 दिन से उसकी प्रिपरेशन कर रही थी, पर पानी पे अचानक से नहीं रहा जा सकता। तो जिस तरीके से मैं उपवास रखवाना चाहती हूँ या रखवाती हूँ, आप वैसे ही उपवास रखें, और अगली बार अगर आपकी इच्छा कर जाए कि नहीं हम जल उपवास वाटर फास्टिंग कर सकते हैं, तो आप हमें अगेन और लोगों की तरह पहले से कनेक्ट करें। दूसरा जो मैं कहना चाहती हूँ कि आपके पास लिमिटेड एनर्जी होती है, कैलोरीज लिमिटेड हैं, तो आपको खर्च भी कम ही करना चाहिए। जैसे सिर्फ टीवी देखने से 23 से 33 कैलोरीज 1 आवर खर्च होती है, पर 1 आवर। तो अगर आपको बचाना है तो आप इस तरह की चीजें बचाएं। रीडिंग करनी है कोई तो 95 कैलोरीज पर आवर हम बर्न करते हैं, और हम ले ही कम कैलोरीज रहे हैं, हम 500 600 कैलोरीज ले रहे हैं और आने पे और कम कैलोरीज ले रहे हैं, तो हमें इसको बचाना चाहिए। हमें सिर्फ अपना चिंतन मनन करना चाहिए, यानी अपने अंतर मन में कोई भी एक चीज को आप जपते जाएं। जैसे जप करते हैं ना, तो जैसे जय माता दी जय माता दी आप बोल रहे हैं, तो एनर्जी डिप्लीट हो रही है, नो डाउट। वातावरण भी उस ऊर्जा से आपका बाहर की वातावरण की भी वाइब्रेशंस चेंज हो रहे हैं और अंदर के भी चेंज हो रहे हैं, पर उसमें आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है। तो आपको अगर जय माता दी कहना है तो आपको अंदर से जय माता दी बोलना चाहिए, हर वक्त बोल रहा है, हर हर वक्त व्यक्ति वही वही धुन में है, जैसे अगला राम नाम की धुन में है या ओम की धुन में है, तो आपको उसको बोलना नहीं है, अंदर ही अंदर उसको चैंट करना है। ये एक आदत बनाए। दूसरा, एक जो कॉपी पेन ले उसमें अपनी चीजें लिखें, जो भी कुछ हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, जो भी अच्छा या बुरा या कम अच्छा परिवर्तन हो रहा है, प्लस पॉजिटिव रहें। हम ये साधना, उपवास साधना, साधना प्राकृतिक चिकित्सा की एक विधि है जिससे बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, और पिछले मेरे अनुभव से बहुत सारे लोगों के अनुभव ने ये बताया कि बहुत सारी बीमारियों पे विजय प्राप्त की जा सकती है। तो आप ऐसा करके अपने लिए, सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो आप इसको, अपनी जो चीजें हैं उनको एसेस जरूर करें, मतलब ऑब्जर्व करें और लिखें, लिमिटेड काम करें, छुट्टी लें, या बहुत ही जितना कार्य जरूरी है उतना करें। कल आज का डाइट प्लान आपको कल मिल गया था, और आज का अब आगे से डाइट प्लान आपको 12 बजे मिल जाएगा अगले दिन का, तो आपके पास पूरा समय होगा एक वीडियो को देखने का।
इस समय 12 बजे मेरे साथ जुड़ने का, मेडिटेशन करने का और उसके साथ साथ सारी चीजों को अरेंज करने का। डे टू डाइट प्लान में जैसा कि मैंने बताया कि सुबह का हम स्टार्टिंग तुलसी जल से करें, तो जो जल आपने आधा खौलाया है, क्योंकि आधा खौलाया हुआ पानी जो हाफ बर्न आपने कर दिया है वो आपके पित्त को बैलेंस करने में, उसका नाश करने में सहायक है। और आजकल गर्मी बढ़ रही है तो पित्त बढ़ रहा है, हम उसी तरफ जा रहे हैं। तो पित्त दोषों के शमन के लिए हम आधा जल बॉईल करके यूज करेंगे, एकदम हल्का हो जाता है। उसमें तुलसी लीव्स डाल दीजिए, ढक दीजिए। जो नहीं कर सकते वो सिर्फ बॉइल्ड वाटर पी सकते हैं, गुनगुना या ठंडा किया हुआ, जैसी आपकी इच्छा है। फिर मैंने बताया कि सोफ्ट रेजिंस आपको यूज करने हैं, उसमें आप अभी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जैसे कल मैंने बताया था, जैसे बताया था उसमें 10 मुनक्के, 10 किशमिश, 2 खजूर, 2 मुनक्के, 2 अंजीर और अलग से 5 बादाम। अखरोट लोगों ने पूछे थे वो यूज कर सकते हैं आप कल भी। ये कल का मैं बता रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। जिनको कल का छूट गया है वो वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, वो उस पे जा करके देख लीजिए। फिर उसके बाद आप ग्रीन जूस मैंने बताया है एक, तो उसके बाद मतलब हर एक लेवल के बाद आपको 2 से 2.5 घंटे का अंतर रखना ही रखना है। सब चीजें एक साथ मत खाइएगा। तो मैं शेड्यूल बता रही हूँ क्योंकि कोई 4:30 उठता है, कोई 5 उठता है, कोई 8 उठ रहा है, तो मतलब आप अपने हिसाब से अपने शेड्यूल कर लीजिए चीजें। तो इसके बाद ग्रीन जूस हमने बताया, जिसमें मिंट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आंवले का अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो लेमन आ रहा है तो नींबू और आपका पुदीना, ये खास तौर पे। बाकी आपके पास पालक अवेलेबल है, फ्रेश मेथी अवेलेबल है, धनिया अवेलेबल है, आपके पास करी लीव्स अवेलेबल है, आपके पास नीम की पत्तियां अगर अवेलेबल है, तो ये सारी चीजें डाल के आप लगभग एक बिग ग्लास जूस बना सकते हैं। इसको भी बहुत बड़े ग्लास में मत डालिए, थोड़ा छोटे से स्टार्ट कीजिए, जब बॉडी को हैबिट हो जाए तब। भुना जीरा डाल सकते हैं, बट आप बहुत सॉल्ट के चक्कर में मत पड़िए। अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लग रहा है, लेमन डाला हुआ है आपने, तो आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टिल आपको लगता है आपकी आदत में है तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप 12 बजे के आसपास या 11 बजे के आसपास फ्रूट ब्रेक लीजिए, जिसमें एक ही तरह का फ्रूट खाइए जो आपकी पसंद का है। एसिडिटी जिनको है उनको मीठे फलों की तरफ जाना चाहिए, और जिनको एसिडिटी नहीं है उनके लिए विटामिन सी से भरपूर खट्टे फल अच्छे हैं जो इस मौसम में आए हैं। तो ऑरेंजेस आपकी चॉइस होनी चाहिए, एप्पल एज यूजुअल आपकी चॉइस होनी चाहिए, हल्का और सूदिंग फल है। और भी जितने भी फ्रूट हैं, कीवी है, और भी मार्केट में जो भी फल आ रहा है वो आप यूज कर सकते हैं। पाइनएप्पल एक अच्छा फ्रूट है, जो आप चाहें उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा के 200 ग्राम्स आप अगर यूज करते हैं तो आपका पेट भर जाता है। दोपहर में आपको सिंघाड़े की कड़ी और उबले आलू खाने हैं। उबले आलू जो नहीं खाना चाहते हैं, बॉइल्ड पोटैटोस, वो शकरकंद ले सकते हैं, वो लौकी ले सकते हैं, या और सब्जियों का अपना चॉइस हो सकता है। शाम को एक हर्बल टी पी सकते हैं, आइदर कोकोनट वाटर पी सकते हैं। और शाम को रात में एक प्लेट सैलेड की खाइए 6 बजे के आसपास, और रात में आप सब्जियां खाइए, बॉइल्ड सब्जियां खाइए या सब्जियों का सूप बना लीजिए। ये था ओवरऑल कल का डाइट प्लान। इसमें हमने दूध और दही हटा दिया है, जो आज आप दूध और दही इस्तेमाल करने वाले हैं, तो मेनली हमने सिर्फ यही स्किप किया है। सेम जैसा आज आप खाने वाले हैं वैसा ही कल खाने वाले हैं। नेचुरोपैथी के बारे में मैंने कल बताया है सारा, कि आपको कैसे कैसे नेचुरोपैथी करनी है। आपको ग्रुप इनवाइट लिंक जो मिला है उस पे सबके लिंक्स अवेलेबल हैं, आप उनको गो थ्रू कर लीजिए और उस तरीके से आप अपना दिन बिताइए। चलिए थोड़ा सा हमारे साथ ध्यान साधना करते हैं, उसके बाद हम आपसे बातें करेंगे। आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें, जहां भी बैठे हैं या लेटे हैं, आप लेट के भी कर सकते हैं, आप बैठ के भी कर सकते हैं, आप जमीन पर पालथी लगा के कुछ बिछा करके बैठ सकते हैं, आप चेयर पे बैठे हैं तो भी अगर पालथी लगा के बैठते हैं तो ये बेस्ट पोजीशन होती है। अगर आपके पैर लटके हुए हैं तो या वो जमीन से टच हो रहे हो, या आप उनको एक पीढ़े पर पाटे पर रख लें, अदरवाइज ऊपर फोल्ड कर लें। अगर आपको बैठने में दिक्कत है तो आप दीवार का सहारा लेकर के या बेड का सहारा लेकर के पैर सीधे फैला करके बैठ सकते हैं। मोटी सी बात यह है कि आपकी स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, शुड बी इरेक्ट। आंखें कोमलता से बंद हो, हथेलियां ऊपर की ओर खुली हो। जो भी हमारे साथ पहली बार ध्यान कर रहे हैं, ध्यान को पहले रट लीजिए, धारण कर लीजिए दुर्गा माँ को, फिर ध्यान आएगा। तो जो भी हम बोलते हैं उसको दोहरा लीजिए,
जब आप रिपीट करेंगे तो मन लगने लग जाएगा। शुरू करेंगे। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, टेक डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए अपने शरीर को एकदम ढीला। जैसे जैसे आप श्वास को छोड़ते हैं, आपका कंधा, सीना, कमर, पैर सब ढीले छूटते जा रहे हैं। श्वास छोड़ने के साथ साथ आप अपना सारा तनाव बाहर निकालते जा रहे हैं। सारा टेंशन रिलीज होता जा रहा है। थकान दूर होती जा रही है और आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। एक्सेलेशन के साथ आपको ये बोलना चाहिए कि मैं अपना सारा थकान बाहर निकाल रही हूँ, मैं अपनी सारी नेगेटिविटी बाहर निकाल रही हूँ, मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स बाहर निकाल रही हूँ। हर चीज का एक्सेलेशन एक अच्छा समाधान है। आई एम एक्सेलिंग ऑल माई नेगेटिविटी, ऑल माई स्ट्रेस, ऑल माई प्रॉब्लम्स। आप एकदम शांत हो जाएं और जिस प्रकार आप अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर के निहारते हैं, प्यार करते हैं, बहुत छोटा, वैसे आपको अपने अपने शरीर को देखना आना चाहिए। आंखें बंद रखेंगे, जब तक मैं ना कहूँ, शरीर नहीं हिलाएंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। दाहिने पैर के पंजे पर ध्यान को ले जाएं और अपने उस पंजे को कुछ इस तरह से देखें जैसे एक छोटा बच्चा मुस्कुरा रहा। इतने प्यार से आपको अपने ऑर्गेन्स को देखना है, अपने अंगों को देखना है। इतनी स्माइल होनी चाहिए आपके चेहरे पे, तनाव नहीं, स्माइल, मुस्कुराहट होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि आप ये अच्छा अद्भुत कार्य कर रहे हैं। आप अपने शरीर और मन के पास जा रहे हैं, आप अपनी आत्मा के पास जा रहे हैं, आप बाह्य जगत को छोड़ रहे हैं। इसकी खुशी आपको मिलनी चाहिए, दिखनी चाहिए। दाहिने पैर के पंजे को इस तरह से देखें जैसे आप उसको निहार रहे हो, प्यार कर रहे हो, पुचकार रहे हो। इससे उसकी हीलिंग होगी, जैसे वो बहुत तो सुंदर है। ऐसे ही दाहिने पैर की एड़ी को देखें, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे। दाहिने पैर की पिंडली को देखें, दाहिने पैर के घुटने को सेम इसी तरह से देखें जैसे एक छोटे बच्चे को आप निहार रहे हैं। जैसे दाहिना घुटना आपका मुस्कुरा रहा हो आपके देख के, आपको तो देख के, जैसे आप उससे बातें कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होना चाहिए। दाहिने पैर की जंघा को, खाई को देखिए, नाउ शिफ्ट योर अवेयरनेस ऑन योर लेफ्ट लेग। बाएं पैर के अंगूठे पर, पंजे पर आ जाएं। इस पैर को भी उतने ही गहन ध्यान से, बिना हिलाए, प्यार से देखिए, पुचकारिए, बातें कीजिए, जैसे वो बहुत सुंदर हो। जैसे हम अपने चेहरे को शीशे में देखते हैं, शीशे की आवश्यकता ही नहीं है, अंतर्मन की आंखों से देखते हैं। एड़ी को देखिए, हील को, पिंडली को देखिए, काफ मसल, बाएं पैर का घुटना, बाएं पैर की थाई, नाभि, नेवल पार्ट को देखिए, इतने ही प्यार से जैसे बच्चे को देख रहे हो। नेवल के नीचे लोअर एब्डोमेन, बैक एरिया,
कमर, हार्ट, हृदय, गर्दन, उतने ही प्यार से देखिए, हर जगह एक छोटा बच्चा है, हर जगह आपके अटेंशन की भूख है, हर जगह वो चाहती हैं कोशिकाएं, वो ऑर्गन कि आप उससे बातें करें, उसको देखें, उसको नरिशमेंट मिलेगा। दिस इज एक्चुअल न्यूट्रिएंट्स एंड नरिशमेंट जो आपका बॉडी खुद बनाएगा। सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोरफिन आपका बॉडी खुद बनाएगा। सारे पेन किलर्स आपके मेडिटेशन के दौरान अपने आप से ठीक हो गए। चेहरा, अद्भुत सौंदर्य, सुकून, संतोष, ऊर्जा से भरा हुआ, लालिमा से भरा हुआ आपका चेहरा। आपकी आंखें, नाक, दाहिना कान, बायां कान, गर्दन के पीछे अपने ध्यान को लगाइए। पुनः अपनी कोशिकाओं को एक छोटे से बच्चे के चेहरे की तरह देखिए, जैसे वो आपसे बातें कर रहे हैं। छाती के पीछे, दाहिने कंधे को देखें, दाहिने कंधे की कोहनी को देखें, दाहिने कंधे की कलाई और दाहिने हाथ की उंगलियां। इतने ही प्रेम से बाएं कंधे को देखें, बाएं कंधे की कोहनी, कलाई, उंगलियां। सिर के पीछे का भाग जहां चोटी बनाते हैं और सिर के ऊपर का भाग सहस्त्राचल। पुनः अपने हृदय पर आ जाएं। हृदय में अपनी दुर्गा माँ को एक छवि, एक मूर्ति देखें, जैसे आपने आपने एक मूर्ति को उठा के अपने हृदय में रख दिया है। ऐसे देखिए, जैसे कंप्यूटर पे कॉपी पेस्ट करते हैं, वैसे दुर्गा माँ की मूर्ति को आपने अपने ही हृदय में धारण कर लिया और वो साक्षात दसों भुजाओं के साथ शेर पे पूरा दिख रहे हैं। उनके आगे दीपक की लौ जल रही है जो आपके हृदय में प्रकाश फैला रही है। यह प्रकाश आपके पूरे चारों ओर शरीर में फैल रहा है, इसके बियॉन्ड भी फैल रहा है, इसके बाहर भी जा रहा है। ये प्रकाश आपको अद्भुत ऊर्जा से भर रहा है और दुर्गा माँ की निराली छवि आपके चेहरे पर, आपके व्यक्तित्व पर असर करती जा रही है। ये छवि और ये दीपक की ऊर्जा आपके हृदय में इसी प्रकार विराजमान रहेगी। दिन में जब कभी आप अपनी आंखें बंद करेंगे और इस ऊर्जा को महसूस करना चाहेंगे, ये आपको ऐसे ही नजर आएगी। गहरी सांस लीजिए, धन्यवाद दीजिए कि आप इतनी अच्छी एक प्राकृतिक चिकित्सा की अद्भुत साधना करने जा रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद दीजिए कि आप बाहर का कोई भी सामान इस दौरान नहीं खाएंगे। आप धन्यवाद दीजिए, आप बाहर की ऐसी कोई भी कॉस्मेटिक्स का यूज नहीं करेंगे। आप जितना प्राकृतिक रहेंगे उतना आपको अद्भुत फायदा होगा, जिसके लिए ये नवरात्रि के उपवास बनाए गए हैं। आप इनका पूरा पालन करने वाले हैं और आप कुछ अलग, कुछ बेहतर अपने शरीर के साथ करना चाहते हैं, अपने मन के साथ करना चाहते हैं। ये आपकी उपवास चिकित्सा सार्थक हो, इन्हीं शब्दों के साथ हथेलियों को आपस में घर्षण करें, आंखों पे रखें, चेहरे पे मलें और मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को खोलें। तो अभी आप सभी
अपना अनम्यूट करके मेरे से एक एक करके बात कर सकते हैं अगर आपको कुछ पूछना है। अदरवाइज फिर इसका रिकॉर्डिंग हम ग्रुप पे डाल देंगे। अगर कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं, अभी हमारे पास समय है इसमें। सो थैंक यू। बहुत सारे लोग जानते हैं, जुड़े हैं, और रश्मि खरे जी जो कि पहली बार से कर रही हैं और शायद मेरे साथ इस बार 9वीं बार कर रही होंगी, और बहुत सारे लोग जो कर चुके हैं, चंद्रा जी हैं, हमेशा जुड़ती हैं, कुछ करती हैं, कुछ एडिशनल भी करती हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने हमेशा कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें। बहुत सारे लोग नए भी जुड़े हैं, कुछ पूछना है तो बताएं। कुछ ऐसा नहीं है, यूनिक सा कॉन्सेप्ट ये है कि हम ऑयल का यूज ना करें, हम प्राकृतिक तरीके से, किस तरीके से दिमाग में नहीं आता है बिना आलू तले हुए कैसे व्रत रहें, बिना चिप्स तले हुए कैसे व्रत रहें। इसलिए वो धीरे धीरे अगर आप चलेंगे हमारे साथ तो हम आपको बताएंगे कि दूध और दही कोई बहुत अच्छा नहीं है, शुद्ध नहीं मिल रहा है हमें, इसलिए हमें इसको छोड़ना ही ठीक है, और किस तरीके से हम धीरे धीरे अपनी स्टमक फायर को कम करके हम फास्टिंग की तरफ जा सकते हैं। सो नेचुरोपैथी के लिए आप ग्रुप पे हम रीसेंड कर देंगे आज। कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं उनको गो थ्रू कर लीजिए, और जिनको अच्छा लगे वो फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी मोहिनी मैम बताएं। दी, जय माता दी। जय माता। दी मैंने आज वो ट्राई किया, बकेट में हॉट फूड बाथ लिया मैंने, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पैर बहुत दुख रहे हैं आज, स्पेशली जो नीचे वाले पैर है ना, वो पता नहीं क्यों मतलब बहुत ही पेन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं 10-10 किलो के पैर उठा के चल रही हूँ क्या? उसके बाद आपने आपको नहाया, लग? शावर लिया? हाँ जी। फिर पूजा वगैरह सब हो गई, मतलब मैं फ्री हो गई, पर अभी काफी नीचे पैरों में पेन आ रहा है। ऐसा होता है क्या? नेचुरल है क्या दी? कभी भी नहीं होता। आप एक बार ना उनको कोल्ड वाटर में भी डाल लो थोड़ी देर, ठीक है? अभी जैसे इसके बाद आप ठीक जो बकेट आधी भरी हुई हो सादे पानी की उसमें डाल हाँ लेना, ठीक है? ठीक है ठीक है जी। आज मैं हिप बात भी ट्राई करूंगी। ठीक है। और कोई कुछ पूछना चाहता है, किसी ने कुछ किया हो और उसका कोई इफेक्ट बॉडी पे आया हो और उसको कुछ पूछना हो? ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। मैंने नेचुरोपैथी में सबसे पहले बताया है कि पेट पे आप ठंडी टॉवेल रखें और फेस पे एक पैक लगाएं, जो कि आप जो फ्रूट खा रहे हैं बेस वो हो, उसमें मुल्तानी मिट्टी और शहद हो। आइस पे रोज वाटर के गुलाब जल के फाई रखें और उस समय एक योग निद्रा का अभ्यास करें। योग का जो यम नियम है उस पार्ट को 9 दिन जिए बजाय आसनों के अभ्यास को, क्योंकि उसमें अगेन कैलोरी बर्न होती है। फ्रेश एयर में रहें। फिर नहाने से पहले मैंने आपको हॉट फूड बाथ सजेस्ट किया, जो नेचुरोपैथी का एक अल्टीमेट ट्रीटमेंट है आपके हाई बीपी के लिए और बॉडी के फिटनेस के लिए भी। पैरों को स्ट्रेंथ देता है, पैरों को ताकत देता है, माइंड को रिलैक्स रखता है, इंसोमनिया की प्रॉब्लम को दूर करता है। और फिर उसके बाद इवनिंग में मैंने आपको हिप बाथ में बैठने को सजेस्ट किया, जो टब है उसके अंदर बैठना है, पैर बाहर रखे जाएंगे। तो कोई भी सिंपल टब जो आपके साइज का हो आप उसको ले सकते हैं। रात में हमने आपको फेस स्टीम लेने को सजेस्ट की, जिसके बाद आपको एक कोल्ड टॉवल रखनी है। तो इतना मैंने आपको शेड्यूल दिया था, इनमें से जो कुछ भी हो पाए, अगर सब हो जाता है बहुत अच्छा, जितना शेड्यूल आपसे कंफर्टेबली हो सकता है उसको करें, जिससे कि ये बार बार नहीं आते हैं, दिन एक जोश के साथ ऊर्जा के साथ कर डालें नवरात्रि। जी चंद्र जी नमस्कार। मैम, नारियल पानी पी सकते हैं पी शुगर सकते, पेशेंट? पी सकते, पी सकते, नारियल पानी पी सकते। थैंक यू। मुनक्के और खजूर थोड़े वो ज्यादा स्वीटली है ना, उसको अवॉइड कर दीजिए। अंजीर अच्छा है, किशमिश ठीक है, सोसो और रश्मि जी कैसी हैं आप? ठीक है मैम ठीक है, इतना लंबा जी हर जी बार ठीक करती हैं आप वाटर फास्ट, ये हमारा नवरात्रि उपवास है ना जी। सो कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, बस अलग सोच की जरूरत है कि हम क्यों खाएं चिप्स, क्यों खाएं वो सारी चीजें जो हम रोज खाते हैं, और हम उसको नवरात्रि में भी ढूंढें, हम क्यों वो सारी चीजें करें जो कि कॉस्मेटिक से रिलेटेड है या अननेचुरल है। तो बी नेचुरल, बस यही सिखाना चाह रही हूँ, ठीक है? सो आई थिंक थोड़े लोग कंफ्यूज थे, तो मैं इसको कर दूंगी। जी कोई पूछना चाह रहा है बताएं वैशाली। शिखा जी, फ्रूट एक ही बार खाना है कि रिपीट कर सकते हैं अगर ऐसे लगे कि?
लग रही है, कोई भी चीज। 2 मील, 2 मील फ्रूट ले सकते हैं, 2 मील ग्रीन जूस भी ले और सकते हैं। अच्छा, और जो सैलेड बोल रहे हैं वो भी 2 बार रिपीट कर सकते हैं। कर सकते, कर सकते, बट जो मील इंटरवल है ना वो आइडियली 6 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, तो आप उसमें सिर्फ डिवाइड करो, राइट? मतलब हर वक्त मंचिंग मत करो, जैसे लाइक मैंने जितने मील इंटरवल लिए हैं वैसा ही होना चाहिए। बहुत ज्यादा मंचिंग करेंगे ना तो स्टमक को रेस्ट नहीं मिलेगा, जो हमारा पर्पस है। तो 6 to 7 मील टाइम हो कि आपने जूस पीना है तो जूस ही पीना है, बैठ के सिप कर करके प्रार्थना के साथ। खा रहे हैं तो हाथ से खाइए, जिससे उसमें भी आप ना मोबाइल मत यूज करें, टीवी मत यूज करें, और जैसा मैंने बताया काफी हद तक थॉट्स को लिखें, और कोई भी एक चीज पकड़ लें, जय माता दी या राम नाम, वो चैंट करें और कम बोलें। जी डॉक्टर विकास बताएं। जय माता दी मैडम। जय माता दी। जी हॉट फुटपाथ में कॉम्प्लिकेशन आया था, एक बार प्रोसेस दोबारा बता देंगे मैम क्या है इसका? जी अभी आपने किसी ने भी, बताया ना कि दिखे? हाँ, मैंने नहीं नहीं किया, इसके भूल गया था मैं नहीं आप आज। करें, दिक्कत नहीं होती है, किसी को भी नहीं होती है। जनरली क्या होता है ना, कभी कभी हम खुद ही टायर्ड होते हैं अपने वर्क से, बहुत बिजी शेड्यूल से, तो हम जज ही नहीं कर पाते कि हमारी पहले से टायर्डनेस थी या जितना फ्रेशनेस हमें लगनी चाहिए वैसा है। तो मैं आपको बता दूं कि सिंपल सा आप चेयर पे बैठ जाएंगे बाथरूम के अंदर ही, और गुनगुने पानी जी से बकेट में आधी भरी बकेट में पानी डालेंगे, जो जो गुनगुना होगा। एक चादर को आप, जी जैसे ये है हमारा, इस तरह की कोई बड़ा शॉल लेकर के अपनी बॉडी को ऐसे लपेट लेंगे। क्यों लपेटा है? क्योंकि ये बकेट के अंदर ही पैर आ गए, जिससे कि वो हवा का एवोपोरेशन से पानी ठंडा ना हो जाए, ठीक है? साइड से आप जी बकेट का पानी बढ़ाते जाएंगे, सिर पे थोड़ा ताजा पानी स्प्लैश कर लीजिएगा, जिससे जो बॉडी की हीट है वो सिर पे ना चढ़े, और या हैंड टॉवेल एक छोटा सा भिगो के सिर पे रखिएगा। पानी पी ठीक करके बैठिए, किसी भी नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट में पानी पीजिए, और ट्रीटमेंट के बाद भी पानी पीजिए। 15 मिनट तक आप तेज गर्म पानी साइड से बढ़ाते जाइए, उसमें और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद आप अच्छे ताजे पानी का स्नान कर लीजिए। तो ये है सिंपल हॉट फुट बाथ। स्टिल हमने ग्रुप पे, सभी लोग ग्रुप पे जुड़ जाएं, जिनको भी आप लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं या बता रहे हैं, अपने हाथों में उनका स्वास्थ्य ना ले, ठीक है? उनको डायरेक्टली मेरी बात सुनने दें और उनको ग्रुप पे ऐड करें, जिससे वो पूरी इंफॉर्मेशन ले सके। मैं चाहूँ तो ये डाइट प्लान ऐसे ही लिख दूँ, मेरे लिए वो ज्यादा आसान है, लिख दूँ ना तो वो आसान है, बट वो आपको पूरा मैसेज नहीं कन्वे करता, तो उसमें बहुत गलती होने की संभावना है। इसीलिए हम रोज जुड़ करके आपके साथ इतना समय निकाल करके बैठते हैं कि आप बातों को सही तरीके से ग्रेस्प करें, ठीक है? आई थिंक सभी लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी और क्वेरीज होंगी। तो सभी लोग अच्छे से अपना दिन बिताएं, कल फिर पुनः 12 बजे मिलेंगे, और इसकी रिकॉर्डिंग अभी 1 घंटे में मैं ग्रुप पे डाल देती हूँ। जिनको भी जोड़ना है ग्रुप से जोड़े, सिर्फ एक वीडियो से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो बार बार रिपीटेशन नहीं हो पाएगा। सो आप और लोगों को भी कनेक्ट करें और लोगों तक फायदा पहुंचाएं। शुभ नवरात्र। थैंक यू मैम। वेलकम।